हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। 2024 का ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि TIPUR4 जीरो एम्पलीफायर सर्किट कैसे वायरिंग किया जाता है, यानी उसका एक्सप्लेन करने वाला हो कौन सा कंपोनेंट किस काम का है। तो ये वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा खासा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को कर देते हैं। मेरे पास ये वाला बोर्ड है, डुअल चैनल TIPUR4 आईसी लगाया जाएगा उसमें। अभी फिलहाल आईसी नहीं है, सिर्फ जो सर्किट है, सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह लगा दिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा हर एक चीज़ कौन सा सामान क्या है। तो दोस्तों जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला एक DC 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। लगभग उसका वैल्यू है 4700 ऐसे ही कुछ होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आईसी दिख रहा है, ये वाला एक रेगुलेटर है, यानी वोल्टेज कन्वर्टर है। उसका 0.780 है होगा CB। दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाने के लिए लाइटिंग अच्छा होना पड़ेगा। दोस्तों लाइटिंग के लिए मैं आप लोगों को दिखाना नहीं सक रहा हूँ। उसका वैल्यू है 7805 IC दोस्तों 5 वोल्ट के लिए। यहाँ पे जो वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई उसको दिया है। और यहाँ से आउटपुट ब्लूटूथ किट के लिए निकला है, वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए ब्लूटूथ किट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये है बेस और ट्यूबवेल सर्किट। आपको आवाज़ को मोटा करना है, उसका गेन चेंज करना है, या आपको ट्यून बढ़ाना है, जो पतला आवाज़ है उसको ज़्यादा सुनना है, इसके लिए ये वाला सर्किट। और दोस्तों जो आगे वाला सर्किट है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक एक चैनल हो गया, यानी दो स्पीकर बजाने के लिए दो एम्पलीफायर बोट यहाँ पे एक ही बोट में डिजाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जितने सारे कैपेसिटर देख रहे हैं दोस्तों, 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और दोस्तों उसमें आप 50 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 25 वोल्ट 100 UF यूज़ किया गया है। दोस्तों आप अगर उसको हटा देंगे, यहाँ पे 50 वोल्ट लगा देंगे, फिर भी चलेगा और जो क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर मिलेगा। दोस्तों अभी भी बहुत तगड़ा है। और दोस्तों ये देखिए बीच में जो छोटा छोटा यानी कलर कुट लगा हुआ जो कंपोनेंट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट को रेजिस्टेंस बोला जाता है। यानी आप पानी का टेप जिसे बोलते हैं, नल का टेप, उसके जैसे मान लीजिए, मतलब करंट को घटा सकता है, कमा सकता है कलर कुट का हिसाब से। और दोस्तों ये भी एक कैपेसिटर ही बोला जाता है, ये वाला सामान जैसे ही है। दोस्तों ये वाला सामान और ये वाला सामान में फ़र्क नहीं है दोस्तों, लेकिन ये वाला जो गोल वाला देख रहे हैं कैपेसिटर, बड़ा वाला, ये कैपेसिटर से यानी लो फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बहुत पार होता है, लेकिन जो नीचे वाला दिया गया है, ये वाला से यानी पतला आवाज ही पार होता है दोस्तों। इसको बोला जाता है PF। दोस्तों PF से सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी दोस्तों पार नहीं कर सकता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पार कर जाता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए जिनर डायोड लगा दिया है, उसको बोला जाता है जिनर डायोड। दोस्तों कुछ सर्किट शॉर्ट सर्किट होने से ये वाला शॉर्ट हो जाएगा और आपका सर्किट पूरा सेफ होगा, फ्यूज चला जाएगा। दोस्तों यह पे लगाया गया है डायोड, चार डायोड आप लोग देख रहे हैं, उसको बोला जाता है डायोड। दोस्तों डायोड का काम होता है बिजली को एक ही दिशा में जाने देना। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलता है, वो AC करंट होता है। उसको DC बनाने के लिए यहाँ पे एक रेक्टिफायर बनाया गया है, ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों यहाँ से चार डायोड से, दो डायोड से प्लस माइनस आउटपुट मिल जाएगा, और सेम जिनर डायोड जैसा दो डायोड यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा और आपका बिजली को फिल्टर करके AC to DC बना देगा। डायोड पार करने से बिजली DC बन जाता है। और दोस्तों ये कंप्लीट हो गया सर्किट, आप लोगों को उल्टा तरफ से दिखा दो। ये हो गया उसका स्पीकर आउटपुट, दो स्पीकर आप ये दोनों में लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हो गया ब्लूटूथ किट के लिए 5 वोल्ट। और यहाँ पे दो पोटेंशियल मीटर, दोनों मेन वॉल्यूम, और यहाँ पे बेस ट्यूबवेल, यहाँ पे आपको चार पोटेंशियल मीटर चाहिए। आप
यहाँ पे दो में आप दो ही पोटेंशियल मीटर से लगा सकते हैं, आप दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो ग्रीन है और यहाँ पे ब्लैक है, ये दोनों फर्स्ट पिन है, तो ये दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। सेम सेकंड पिन को भी और थर्ड पिन को भी शॉर्ट करना पड़ेगा जंपर से। तब दोस्तों आपका दो पोटेंशियल मीटर से बेस ट्यूबवेल काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो स्टीरियो चैनल है उसको बजाने के लिए आप चार पोटेंशियल मीटर यूज़ कीजिए। और देखिए यहाँ पे आईसी नहीं है, आईसी यहाँ पे नहीं है, तो आईसी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो दोस्तों ये वाला में मैंने पुराना आईसी है मेरे पास दोस्तों, पुराना सेम दोस्तों। देखिए ये दूसरा एम्पलीफायर का आईसी है, उससे दोस्तों हाई वोल्टेज से बजाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये 12 वोल्ट से तगड़ा साउंड कैसे निकल सकते हैं इसके लिए ये बोर्ड है। तो अभी ये अभी सेम ऐसे वाला आईसी मेरे पास है, वो आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ। फाइनल दोस्तों मेरे पास है 2440 आईसी, एक पुराना बोर्ड से मैंने टूटा के लेके आया है। यहाँ पे पिन वगैरह सही सलामत है, यानी उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आईसी को निकल के यहाँ पे लगा देने वाला हो दोस्तों, दो आईसी लगा देने वाला हूँ। और दोस्तों उसका हीचिंग अच्छा लगाइए दोस्तों, हीचिंग में एम्पलीफायर में अभी इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कैसे कनेक्शन करना है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आईसी को भी अच्छे से सफाई कर लिया है, यहाँ पे जो कचरा लगा हुआ था पुराना बोर्ड का आप लोगों को दिखा दूँ, ये हटा दिया है बहुत ही अच्छे से। देखिए एक भी पिन मतलब टूटा भी नहीं है। मेरे हिसाब से आईसी ठीक होना चाहिए, बोर्ड में कुछ कंपोनेंट टूटा हुआ था मैंने देखा है। तो अभी क्या करने वाला हूँ, ये आईसी को लगा देने वाला हूँ यहाँ पे। दोस्तों देखिए एग्जैक्ट पिन मैच कर रहा है, आप लोगों को दिखा दूँ, पिन मैच हो रहा है, मतलब ये जितना पिन का है और ये आईसी भी उतना पिन का है, मतलब ये सही में 3440 आईसी का बोर्ड है। मैं हीचिंग नहीं खोलने वाला हूँ, कम भरेगा दोस्तों, ये हीचिंग डायरेक्ट यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। तो मैं लगा के आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आईसी को बैठा दिया है, तो अभी बोर्ड कुछ अलग ही दिख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सोल्डिंग वगैरह अभी तक नहीं किया है, अच्छा से सोल्डिंग मारने वाला हो। और दोस्तों देखिए अभी दोस्तों थोड़ा भारी भारी लग रहा है आईसी डालने के बाद। दोस्तों ये अभी कंप्लीट सर्किट हो चुका है ऑडियो एम्पलीफायर, तो मैं उसको फटाफट बजाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनल दोस्तों मैंने एम्पलीफायर बना दिया है। वीडियो पसंद आने से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में आता ही रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ कुछ ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। थैंक यू।